आप लोग के सामने 500 रुपये। ये जो स्मैश का ये है, यहाँ पे मैंने छुपा दिए गाइस। आज मैं मुंबई, टू CSK। इस IPL में मैं पहले RCB को सपोर्ट कर रहा था, बट फिर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि मैं तो राजस्थान से हूँ, तो मैंने राजस्थान को सपोर्ट करना चालू कर दिया। हेलो एवरीवन, व्हाट इज द वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ऋतिक जैन व्लॉग्स। एंड गाइस, आप में से बहुत लोग बोल रहे हो आप लोग डेली व्लॉग्स नहीं डाल रहे या फिर रेगुलर व्लॉग्स नहीं डाल रहे, तो उसका रीजन है गाइस ये क्या, ये गर्मी गाइस कितनी बढ़ गई है, लिटरली बाहर जाने का मन नहीं हो रहा है। ये तो एक्सक्यूज हुआ ना, तो मैं ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रहा, बट यस फ्यूचर में थोड़ा गर्मी कम होने दो, हम लोग और ज्यादा व्लॉग्स करेंगे एंड और भी बहुत सी चीजें प्लान करेंगे। बट फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, बहुत से लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं मॉल एंड देन मिलते हैं, देखते कुछ तो करते हैं यार। गाइस अभी हम लोग आए हैं कोरम मॉल में, आज कुछ तो फंक्शन है, पता नहीं, सब लोग ट्रेडिशनल पहन के आए संस्कार। और अभी हम लोग को यहाँ पे और भी लोग मिलने वाले है, तो मन रेडी है तू? देख पहले तो अपन बॉलिंग करने ही वाले, तो गाइस बहुत लोग हैं तो बॉलिंग तो करेंगे, बट फिर मैं यहाँ पे मन को कुछ चैलेंज देने वाला हूँ, तो रेडी है उस चैलेंज के लिए? भाई मैं तो वही करना चाहता हूँ गाइस, देखते हैं आज चैलेंज में इसको बता रहा हूँ क्या सीन है, आप लोग को भी मजा आएगा। वैसे हम लोग इधर आ रहे थे तो एक सीन हो गया, सीन ऐसा था कि ये बच्चा बीच में आ गया। पहले अपन आते थे बचपन में मॉल भी फुल रेडी वेडी होके आते थे, अभी मेरे को देखो गाइस, मैंने आज तक अभी मेरे को आते वाते हो गए रहेंगे 2-3 महीने, मैं कभी चड्डे के अलावा मॉल नहीं आया, मतलब पहले तो शर्म आ जाती थी भाई, चड्डे और चप्पल में कैसे मॉल आते, अब तो बिंदास भाई बेशर्म आदमी, लोग आ रहे फुल रेडी रेडी होके। तो चलो अभी अपन जा रहे स्मैश में, सामने स्मैश है एंड और भी लोग हैं, तो उधर मिलते हैं। तो गाइज वैसे तो आए थे हम बॉलिंग करने, लेकिन बॉलिंग करने तो मिला नहीं, 1 घंटे का वेटिंग है, तो हमने सोचा हम कुछ खा लेते, मतलब बहुत टाइम बाद हम लोग खा रहे आज डोमिनोज, पता नहीं मतलब बहुत पहले से छोड़ दिया डोमिनोज खाना जब से लापिनोस चालू किया, बट ये आज काफी टाइम बाद हम फिर से डोमिनोस खाएंगे। धीर ट्वर्क गाइस, ये है न्यू कॉमेडी मास्टर धीर, सुन इसको भी हम लेते अपने क्लैन में। अभी बॉलिंग में बहुत टाइम है, तो चिंटू जो है हमारे यश जैन वो डांस एंजॉय कर रहा था, बट अभी मैंने इसको रोक दिया कि भाई कितना डांस देखेगा। वैसे आपने इसको लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा रहेगा गाइस, इसने क्या बकचोदी करी थी, मेरी इस भोली सगल पे मत जाओ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी इसकी, तो भाई जल्दी से जाके वो वाली वीडियो देख लेना कि ये क्या पीस है, आपको समझ जाएगा। तो अभी फिलहाल हम खेल रहे हैं, वो वाला टॉय चाहिए मेरे को गाइस, देखते हैं क्योंकि गाइस बॉलिंग में टाइम है और इसके बाद मैं मन को चैलेंज कर रहा हूँ। और क्लोज था, क्लोज, एक एक मैं ट्राई कर दूँ, मैं ट्राई कर दूँ। दुनिया की सबसे घटिया चीज़ है क्लो मशीन, मैं हर बार सोचता हूँ ये गेम नहीं खेलूँगा, इसीलिए आज मैं सोचा क्रिकेट में चैलेंज करता हूँ, बट पता नहीं मेरा ध्यान क्यों भटक जाता है गाइस। वैसे डांस भी बंद हो गया, आप तो अब तो चल ही सकते हैं क्या, सारी जगह तो है यार, स्मैश सारी जगह है। अंदर देख, ये देखो हमारा, ये देखो भाई, ये देखो गाइस स्मैश में यहाँ पे लोग अपना क्रिकेट खेल रहे, खुद की बॉलिंग, खुद की बैटिंग। चिल्लाओ 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 चिल्लाओ, ये देखो ये देखो ये देखो भाई, सुन, पैसे लो पैसे, पैसे लो इनसे, पैसे लो पैसे लो गाइस, ये देखो ये ऐसे काम करते भाई, अपने पास है कार्ड, क्यों टेंशन ले रहे हो, ऐसे ढूंढ रहे थे कि खेलना है, हां खेलते खेलते चलो। तो गाइस 2-3 वीडियो से मुझे बहुत सारा कमेंट्स आ रहे थे, ऋतिक भाई हमें कुछ अर्निंग के सोर्स बताओ जिससे हम लोग डेली के 1000-2000 रुपीज अर्न कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी और मुझे एक इंडियन गेमिंग स्टार्टअप के बारे में पता चला जो कि MGA और ITEC लैब जैसी सोर्सेज से ट्रस्टेड है और वेरीफाइड है। तो भाई मैंने एक वेबसाइट को खोज निकाला है जिससे आप लोग डेली की ईजिली इनकम कर सकते हो, तो चलो मैं इसमें आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइज आपको इसकी लिंक मेरे कमेंट में पिन हुई मिल जाएगी, आप लोग जाके साइन अप कर लेना, ताकि आपको वेलकम बोनस भी मिल जाएगा 500 रुपीज़ का। एंड गाइज यहाँ पर बहुत सारे गेम्स है जैसे कि क्रैश, लिम्बो एंड ट्रेन बॉल वगैरह, बहुत सारे गेम है जिसमें से मेरा फेवरेट गेम है गाइस कॉइन फ्लिप गेम, जिसमें आपको सिंपली प्रेडिक्ट करना रहता है हेड्स आएगा कि टेल्स। इस बार हम लोग टेल्स ट्राई करेंगे और फिर से टेल्स आ गया, देखो गाइस टेल्स प्रेडिक्ट किया था, टेल्स आ गया और यहाँ पे मैं इसको और एक बार रिस्क ले सकता हूँ गाइस, इस बार मैं फिर से एक और बार टेल्स करूंगा एंड एक और बार टेल्स आ गया और इधर मेरा मल्टीप्लायर जो देख सकते हो 3.84 हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने $5 लाया था और मेरे को
मिल चुका है 3.81186 रुपीस प्रॉफिट। तो गाइस इसी तरह ये गेम खेल सकते हैं। एंड गाइस अभी मैं इसको विड्रॉ पे डालूंगा तो थोड़ी देर में मेरे पैसे भी विड्रॉ हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं इधर ये स्क्रीनशॉट। एंड यस अगर आपको भी इस पे ट्राई करना है तो भी जाओ जल्दी से, मेरे कमेंट में लिंक पिन है, जाके मेरा प्रोमो कोड यूज़ करो, मेरी लिंक से जाओ तो आपको बोनस मिलेगा, वेलकम बोनस 500 रुपीस का। एंड यस आप लोग भी इजीली प्रॉफिट कर सकते हो। वो वाली स्पीड लेंगे और देखते रियल में कौन जीतता है, ठीक है? यहाँ देखते असली फेयर मैच कौन जीतता है, मुंबई या सीएसके, कमेंट में बताओ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। गाइस मैच चालू होने में अभी टाइम है तो मैंने सोचा मैं रील्स में बहुत चीजें देख रहा हूँ कि लोग कैश एंड करते हैं। आप लोग के सामने 500 रुपए ये जो स्मैश का ये है इसके नीचे यहाँ पे मैंने छुपा दिए गाइस, मैं तो दिख जाएगा इन लोग पे, दिख जाएगा इन लोग ले लेंगे। मैं थोड़ा अच्छे से छुपा रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से छुपा देना। तो गाइस आप लोग आके यहाँ पे कभी भी आओ तो आप लोग ले सकते हो ये चीज़। और ये अभी हम हमारे एक वीडियो में करेंगे। एंड और एक चीज़ करेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं जो थाने में नहीं रहते उनके लिए भी एक चीज़ करेंगे। उनको क्या करना है, कमेंट में आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल देना है, कमेंट कर दो आप लोग। जो भी एक लकी विनर रहेगा उसको मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करूंगा, आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर देना जीएन ऋतिक पे, उसको मैं पर्सनली करूंगा पैसे से, ठीक है? तो कमेंट में अपना अपना इंस्टाग्राम डालो। बाकी स्मैश में इसको मैं और थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि ये दिख रहा है अच्छे से। तो ये लव यू, आज मैं ये वाले चैलेंज चाडू भाई के साथ करने वाला हूँ। देखते वजन है कि हाथ में भी कुछ आ जाओगे, बॉलिंग में देन उधर देखते यहाँ पे हमारे साथ है आरसीबी, आरसीबी के आईपीएल में तो हाल बेहाल है, आज देखते इधर क्या करते हैं। तो दो 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 ओवर खेलेंगे, जो हाईएस्ट बनाएगा वो जीतेगा। चलो छूटते कौन पहले खेलेगा, कौन पहले खेलेगा, ठीक है? मेजॉरिटी में आईपीएल नहीं है तो बिल्कुल फिक्सिंग नहीं होगी गाइस, सब दिखाया जाएगा। ये देखो मैं जाऊंगा थर्ड नंबर, देखते गाइस दोनों का टारगेट देखते हैं। एंड मुंबई लास्ट में बैटिंग करेगी। चलो तो गाइस इधर आरसीबी पहले बैटिंग कर रहा है एंड इधर ओवर डालना है नारायण। नारायण ब्लू कपड़ों में कैसे भाई? मैजिक। ओह पहली बॉल शॉट तो मारा है। कितना रन आया? आउट। भाई आरसीबी बोलते सीएसके, अपने को आरसीबी का तो टेंशन नहीं है वैसे यार गाइस। इस आईपीएल में मैं पहले आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था बट फिर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि मैं तो राजस्थान से हूँ तो मैंने राजस्थान को सपोर्ट करना चालू कर दिया। बट यहाँ पे द ट्रू आरसीबी, द लॉयल आरसीबी फैन, क्या यहाँ पे कब जीत पाएंगे आरसीबी? अभी तक जीरो रन पे दो बॉल खेल चुके हैं।
कितना 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 एक रन एक विकेट है, एक विकेट है अभी तक तो। और चला गया, नहीं 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 नहीं, जीरो अभी तक जीरो। क्या लगता है कौन जीतेगा? मुंबई जीतेगी। यस यस यस, सीएसके की पूरी चलती हुई हमें दिख रही है। क्या लगता है तुमको? सीएसके लग रहे हैं। हाँ, चिंटू मारा आती हूँ कि तो तू मुंबई। लेट्स सी आरसीबी का कितना हो गया है, कमाल। आरसीबी पांच रन बना दिया, आरसीबी ने पांच रन मार दिया गाइस। आरसीबी कैसे इतना मार सकती है? तो तोड़ पाएगा ना, पांच रन तो तोड़ पाएगा। आरसीबी से मत आ जाइयो गाइस, चौका भाई साहब। आरसीबी टारगेट रीच कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? इधर थोड़ा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले लिया बीच में और अभी स्कोर हो चुका है 5 रन 5 बॉल। क्या लगता है टारगेट क्या देने का प्लान है? अभी देखो गाइस, 6 और मेरे पास 7 बॉल बचे हैं, 20 रन तो और मारना है मेरे को। 20 रन तो औकात में रहो। अगर तूने 20 मारा ना, पर जान तेरे को लाइफ टाइम में इधर मैं फ्री दूंगा, इधर फ्री जान ही रहा है, पर फ्री हर जगह पे आ रहा है भाई। तो भाई ऐसे लगता है क्या उधर गोली वेली को खेलने का? तो इधर हर जगह फील्डर ही आता है रे भाई। ये क्या, ये नहीं है कौन सा स्टेडियम, तुम क्या सोच रहे हो हलवाई क्या? चलो गाइस मैच ब्रेक एंड वापस से स्टार्ट करते मैच। 1 hour later यहाँ पे आरसीबी जो 20 रन की बड़ी बड़ी बातें दे रही थी, हर जगह पे प्लेयर 8 रन मारे सिर्फ 2 ओवर में, मेरे को 8 रन और 3 विकेट अलग गिरवाए इसने। 3 विकेट 8 रन पे 3 विकेट, तो अगर सेफ का 3 3 2 2 विकेट गिर गया तो कुछ माइनस नहीं होगा गाइस। हां चलेगा, नहीं तो 8 रन में से 3 विकेट का माइनस होगा, ठीक है 5 रन ही काउंट होंगे। हां 5 रन देखते गाइस सीएसके सीएसके। और चलो गाइस मन यहां पे बड़ी बड़ी दे रहा है, पहला बॉल 6 नारायण ऑन द टाउन। लेट्स सी पहली बॉल इसकी, ये रे विकेट दिख रहे हैं। ओ भाई दिया है बंदे ने, दिया है रिव्यू कैच। डेड बॉल मिला, फिर से हो गया यार गाइस, पहली बॉल काउंट नहीं हुई। ओके फिर से दिया तो है, भाई पहली बॉल चौका दे दिया बंदे ने। गाइस सीएसके फॉर्म में, पहली बॉल 4 रन। इस बार तो आउट होना चाहिए, इस बार आउट होना चाहिए। सिंगल मिल गया भाई साहब, मेरे को लग रहा है ये तोड़ देगा सबके रिकॉर्ड। चलो देखते हैं गाइस इसका स्कोर कितना होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। यहाँ पे सी एस के ने तो सबकी बैंड बजा दी है मुझे लग रहा है। यहाँ पे स्कोर देखिए भाई आप, 26 अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा है मन का। और अभी कितनी बॉल बची है? और 2 बॉल बची है। ये ओ पहली डॉट गाइस, पहली डॉट। 26 में से 8 गए, कितने बच गए? 20 किधर से आ गया भाई? गाइस 18 रन मार दिए भाई इसने तो, हाला फॉर अ रीजन। लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल। 18 से ज्यादा गया तो मेरे को तो मुश्किल लग रहा है मैं बना पाऊंगा, बट यस देखते 18 पे ये हो जाना चाहिए। और एक और मार तो दिया इसने लास्ट बॉल पे, देखते क्या मिलता है। पहला विकेट गाइस। अब बारी है द मिथ द लेजेंड द ऋतिक भाई की बारी। अभी 18 ना, चलो रिकॉर्ड तोड़ना ही पड़ेगा, चलो इजी नहीं है। क्यों आरसीबी इधर भी लास्ट, मेरे को ऐसा बता रहता है इधर राइट लेफ्ट में गैप वगैरह निकालना है। राइट लेफ्ट में एक दो मारो, मैं सीधा सीधा ही मारो ज्यादा से ज्यादा। तो चलो वड़ा पाव मुंबई वड़ा पाव, ए बात कर भाई, ना देगा तेरे को क्या? चलो गाइस मेरा चश्मा ढीला है, नीचे की फिर से एक्सक्यूज। ग्राउंड शॉट 1 रन। चलो सेकंड भी आउट, आउट आउट हवे में, पूरा हवे में बॉल। और मार दिया यार भाई साहब, मेरे को नारायण के ओवर में ज्यादा मारना था यार। नहीं है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ए हे हे
रन ले लिया। Shit. 32 ओवर 6 रन तो मार दिए भाई। नहीं नहीं हाथ में फील्डर के हाथ में, हाथ में भाई फील्डर के हाथ में। 10 रन बना दिया 10। बैंड तो बजा दिए भाई। हाँ शॉट है। कितनी बार बोल के मुंबई इंडियंस हारेगी हारेगी फिर भी हारेगी। तू चुप रहे बाबा तू चुप रहे। हाँ आउट 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 आउट। 14 हुआ है। 14 हो गया ना और 6 रन चाहिए। चलो गाइस अब आया ना डेल शरफ मारना। कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है। 2 रन है। सही सही कर रहा है। क्या मारा ये? डेड बॉल। अबे ये क्या था यार? आउट है तो हवे में पूरा हवे में पूरा हवे में। 6 तो पॉसिबल ही नहीं है ये। अरे क्या यार विकेट पे डेड बॉल यार। भाई चीटिंग है भाई। मुंबई अंबानी फिक्सिंग पूरी फिक्सिंग मुंबई। यही चीज होती है भाई मुंबई के साथ हमेशा। ये क्या फिक्सिंग थी? आउट वाला बॉल रेड बॉल कर दिया। गया शॉट। 4 है नहीं नहीं पीछे है। सेम हो गया। लेफ्ट में मार। कैच। प्लीज वेट। बॉल खत्म। चलो स्ट्रेट बैक पास द बॉलर। बॉल जस्ट लोड इन द आउटफील्ड। जल्दी आ रही है। 20 मार दिए। 46 मार दिया ना। अरे यार मन पहले आए हुए रे को पता है भेजो कैसा कैसे। तू आए नहीं जैसे कि बात कर रहे हैं। दूसरी बार खेल रहा हूं ये मैं। एक ही हम लोग भी ज्यादा नहीं खेलते भाई। रोने चालू हो गए भाई। भाई ये लोग हफ्ते में 3-3 4-4 बार आए हुए। आप लोग रोना बंद कीजिए। एक गोल बचेगा। इट्स गॉन आफ्टर दिस वन। आई हैव टू से बट ओनली जस्ट 2 मोर। पीछे के फील्डर रख दिए। एक ही गोल बची थी। मैंने तो पहले ही बता दिया था फाइनल हर बार मुंबई जीतता है। फाइनल हर बार मुंबई जीतता है गाइस। ऑलमोस्ट 20 रन बना दिए मैंने। बट यहाँ एक टीम 8 रन। मेरे को ये गैप वगैरह क्या रीजन रहते भाई आरसीबी लोगों के। बॉलिंग का स्कोर बताने का था ना। क्यों बॉलिंग में भी नीचे ही था। तो गाइस ये जो भी था वैसे फन के लिए था। कमेंट में कोई ये नहीं लिखेगा कि भाई आप इसको ये क्यों बोल रहे हो वो क्यों बोल रहे हो। हेट मिलनी नहीं चाहिए भाई ठीक है। बाकी आरसीबी और सीएसके हम सब भाई भाई हैं। क्या हो गया खेलने वाला है वाला। हम साथ में खेलेंगे। बाकी कोई नहीं आईपीएल का मिलेगा तुम्हें भी कप आएगा। हम भी गाइस यही चाहते हैं कोहली भाई को एक कप मिल जाए। अभी तो मिल ही जाएगी क्योंकि बाकी टीम ठीक सी आरसीबी की इस बार मतलब। तो इसीलिए मैंने एंड में छोड़ ही दी उम्मीद गाइस आरसीबी से। अभी तो मैच चल रहा है भाई। एक प्लेयर कितना ही कर सकता है। तो मजा आएगा मजा आएगा। तो लाइक करो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये देखो भाई 15 ये बॉलर को इतना 215 और कितने ओवर हुए 15। अब बोलो ये ऐसा रहे इस बार भाई।